दोस्तों आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आग में चलने वाले जिस वीडियो को देखा है गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह के यूनिक चीज दोस्तों टिकटॉक में लाते हो तो फ्रेंड्स आपका भी जो वीडियो है वो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर हो सके तो आप अपना वीडियो को बना के दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सकेगा। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बतला दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जय सर्कल ओंडा में। दोस्तों अगर आप मुझे वक्त हुए पहली बार सुन या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सिलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन या फिर फ्रेंड्स आपके घर में कुछ भी कलर का एक कलर का फ्रेंड्स आपको पर्दा होना चाहिए, आप फ्रेंड्स कुछ इस तरह से जमीन पे बिछा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह से अपने हिसाब से आप एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। मैं दोस्तों अपने हिसाब से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइंड मास्टर का प्रोमो कोड यूज़ करता हूँ। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रोमो कोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देके रखा है दोस्तों, जहाँ से गाइस आप काइंड मास्टर प्रोमो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपको बीच में न्यू ऑप्टी फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ऑप्टी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब जो आपको राइट साइड में मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपको अपना पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन कर लेना है। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, इसका ड्यूरेशन को दोस्तों कुछ इस तरह से आप बढ़ा के 15 सेकंड से कम रखिएगा, क्योंकि गाइस जो टिकटॉक बनाने का वीडियो होता है दोस्तों वो 15 सेकंड से कम ही होता है। इसके बाद गाइस आप कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जो आपने मोबाइल या DSLR से दोस्तों वीडियो को शूट किया है, जिस तरह का दोस्तों मैंने आपको वीडियो शूट करने बोला है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब गाइस आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के आपको कुछ इस तरह से आपको उसको फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में कर देने के बाद गाइस आप भी आपको क्या करना है, इसका जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा नीचे में आपको दोस्तों इस वाले ग्रीन स्क्रीन को फ्रेंड्स मुझे हटाना है। गाइस आप जिस कलर का पर्दा रखे हो गाइस उसको आप भी आपको यहाँ से हटाना है। तो उसको हटाने के लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में क्लिक कर लेना होगा और गाइस यहाँ पर जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है वो फ्रेंड्स आप जिस कलर का दोस्तों आप यहाँ पर पर्दा यूज किए हो आपको फ्रेंड्स उस वाले कलर को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मैं दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ किया हूँ तो गाइस मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ से ओके करके इसको इनेबल कर दूंगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पर अच्छे से हल्का हल्का दिख रहा है। तो अब दोस्तों वो क्या करें, इसको अच्छे से आपको एडजस्ट करना है, मतलब कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा एडजस्टमेंट है उसको मैंने कर लिया है और गाइस यहाँ पर जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों वहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। अब गाइस आपको इस वाले व्हाइट कलर में जो आग का इफेक्ट है दोस्तों वो वाला यहाँ पर लगाना है। उसको फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर दोस्तों जो फायर का इफेक्ट है दोस्तों उसको मैंने देके रखा है। आपको गाइस उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको उस फाइल का भी सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस में लेयर में क्लिक करना होगा दोस्तों और जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको मीडिया का, इसी मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है और यहाँ से गाइस आपको फायर वाले वीडियो को आपको सिलेक्शन करना है।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फायर वाला वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना, इस वाले एरो में पकड़ के आपको उसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में करना है। और फ्रेंड्स इसका भी आपको ग्रीन स्क्रीन को हटाना है। ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, सेम प्रोसेस में दोस्तों आप यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रोमाकी में क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको की कलर ग्रीन इस तरह से सिलेक्शन करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से आपका जो आग का जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करके दोस्तों अभी आपको क्या करना, आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको ये 3 डॉट दिखेगा देख सकते हैं। आपको कैसे इस वाले 3 डॉट में आपको क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन आपको क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो आग का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप भी दोस्तों कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखेंगे दोस्तों तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके दोस्तों आपको अपना फाइल का आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर एंडिंग लगाते हैं।